वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री ने वर्ष 2019-20 का अंतरिम केंद्रीय आम बजट शुक्रवार को प्रस्तुत किया। पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रही परियोजनाओं के लिए धन राशि का आवंटन किया गया ताकि परियोजना समय से पूरी हो सके। पूर्वोत्तर रेलवे पर नई लाइन निर्माण, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण मद में पूर्वोत्तर रेलवे पर सभी शेष मीटर गेज रेलखंड, आमान परिवर्तन के लिए सड़क संरक्षण कार्य, यातायात सुविधाओं एवं सभी बड़ी लाइन खंड विद्युतीकरण के लिए धन राशि स्वीकृत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा। बजट तो पूरा पूरा ठीक है, क्या पिछले वर्ष ये पूरा एवं आज जो बजट प्रस्तुत किया गया, आम बजट जो प्रस्तुत किया गया उसमें रेलवे के बारे में बोलते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछला वर्ष जो है भारतीय रेल की इतिहास में सबसे संरक्षित वर्ष रहा, सबसे कम दुर्घटनाएं हुई और पिछले वर्ष जो है हमने जो शेष बची हुई सभी ब्रॉडगेज पर जितनी भी संपार थे अनारक्षित संपार उनको समाप्त कर दिया। जहाँ तक बजट की बात है, रेलवे बजट की बात है, माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की। जो बजट के जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसमें जो चालू कार्य हैं उनके लिए भी निधि उपलब्ध कराई गई है और नए कार्य जो हैं उनके लिए भी उपलब्ध कराई गई है निधि। इसमें यात्रियों के लिए यात्री सुविधाओं पर विशेष बल देते हुए कुल 187 करोड़ रुपए की राशि पूर्वोत्तर रेलवे के लिए उपलब्ध कराई है जिसमें कि पुराने और नए दोनों कार्य उपलब्ध जो हैं सम्मिलित हैं। तो आने वाले समय में हम लोग बड़ी तेज़ी से रेलवे के जो है क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा। यात्रियों को क्या इससे फर्क पड़ेगा, सुविधाएं जो है के पक्ष में कितना है? देखिए यात्री सुविधा के लिए जैसे मैंने आपको बताया 187 करोड़ रुपए की का आवंटन किया गया है। 187 करोड़ बहुत बड़ी राशि है यात्री सुविधा के लिए, जिसमें यात्रियों के लिए जो है प्लेटफॉर्म्स ऊंचे किए जाएंगे, प्लेटफॉर्म लंबे किए जाएंगे, फुटओवर ब्रिज लगाए जाएंगे, नए फुटओवर ब्रिज, इसके अलावा स्टेशनों पर सूचना प्रणाली सुदृढ़ की जाएगी, तो इससे यात्रियों को बहुत सुविधा होगी।